से आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है, व्हाट दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट। तो मेरे हो गए 500 सब्सक्राइबर्स, और 500 सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे दोस्त पार्टी मांग रहे थे, तो मैंने कहा ओके, लेकिन मैं कुछ बनाने वाली हूँ, और मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकौड़ा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने जितने भी मॉन्टाज देखे आप समझ गए होंगे कि हम लोग अभी गए 11:30 के अराउंड गए, सब सामान वामान लेके आ गए हैं, एंड अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी करेक्ट। ये है देखो सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, किसी को कोई क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। और ये बहुत भारी था यार, सच में भारी था ये तो। सो अब हम लोग करते हैं तैयारी, और आलू हो गए हैं मेरे, मेरे पास टमाटर है, अगर आप हमें रिच रिच बोल के चढ़ाना चाहते हो तो आप चढ़ा सकते हो। और मेरे पास टोटल 5 टमाटर है, 5 ये पूरे पैकेट में भर के टमाटर है। आलू लेना है सबसे पहले बॉइल होने, 3 आलू, 4 आलू, सभी यहाँ 4 आलू काफी है ना? Yes. ये है हमारे जजेस, मीट आर जजेस गाइस, जो भी हम ब्रेड पकौड़ा बनाने वाले हैं ये लोग खाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर मर जाएंगे। आखिरी बचा हुआ ड्रैगन फ्रूट मैंने खा लिया है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में पहली बार ड्रैगन फ्रूट खाया, इस अमीर लड़की को छोड़ के। इसके आप पेटी में आता है ड्रैगन फ्रूट, पेटी में, सोचो। आपको कैसा लगा ड्रैगन फ्रूट, अपना ऑनेस्ट रिएक्शन दे दीजिए। जंगली था, पैसे लेती है इसी के खेत से आता है ऐसा लग रहा है, इसीलिए तारीफ करी जा रही है। तो खाई क्यों नहीं तुम? अरे मैंने बहुत खाया, तुम लोग खाओ, तुम लोग। सो ये बॉइल्ड आलू जो थे मैंने इनको पील कर लिया, और इसके बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में कट किया ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। उसमें मैंने सॉल्ट और रेड चिली पाउडर डाल दिया। दूसरी साइड टर्मरिक मैंने धोने के लिए रखी थी, उसको धो के कट करके इसमें डाल दिया, और प्याज और मिर्चा भी बहुत बारीक चॉपर से कट करके उसमें डाल दिया। ये हमारा भरता रेडी हो गया। बेसन में मैंने हल्दी नमक डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया। जो हमने भरता लगाया था वो ब्रेड के एक साइड अच्छे से हमने पूरा फुल्ली कवर्ड कर दिया, और उसके बाद जो दूसरा साइड था ना, दूसरा ब्रेड था, उसको ऊपर चिपका के कट करके ऐसे 2 ट्रायंगल्स बना लिए, एंड देन मैंने उसको मिक्स कर दिया, मतलब डिप करा बेसन में, और फिर मैंने उसको डाल दिया ऑयल में, इसको कर लिया मैंने फ्राई। एंड ये है मेरे ब्रेड पकौड़े एकदम रेडी। बता दे सभी कैसा है? अच्छा है। चल प्रकाश टेस्ट करके बता। ये खा रहा है प्रॉपर तरीके से। कैसा बना है? कुत्ते कहीं के। ये तो गिरा दिया पूरा। रसम रसम हो रही है। चल चल जल्दी बता कैसा है। हमारे वहाँ पे ऐसे रहते हैं राजस्थान। चल चल गाइस, यहाँ पानी राजस्थान वालों को पानी भी दे रहे हैं। yes. मैं खुद खा के अपना रिएक्शन देने वाली हूँ। मैं तो अपना ओरिजिनल रिएक्शन दिया। सो अभी तो सब चले गए हैं, और ब्रेड पकौड़ा सच में बहुत अच्छा था, और मैंने तो इतना ज़्यादा खा लिया है। लाइफ बहुत टफ होती जा रही है यार, वेट बढ़ रहा है खाने की वजह से, और खाना तो खाना होता है, मज़ा तो आती खाने में। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं वृंदावन गार्डन के लिए, ऐसे ही घूमने फिरने इंजॉय करने, एंड यू कीप ऑन वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब जितना मैं हो सकती थी उतना, और बाकी सब लोग भी रेडी होने गए। अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, तो मैं आप सबको फ़ोन कर करके परेशान करने वाली हूँ कि आ जाओ, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। And I will show you what we'll do, and this is going to be a very good day.
फिर हम लोग निकल गए वृंदावन गार्डन के लिए और एक ही ऑटो में हम चारों लोग फिट हो गए। तो हम लोग खड़े हैं बस स्टैंड पे और वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। कैन यू इमेजिन, ये लोग ब्लॉग में आना चाहते हैं सेलिब्रिटी के। देख रहे हैं ना, मेन जो है वो आगे बैठा है एंड साइड वाले लोग पीछे बैठे हैं। सारे पैसे मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं। इसने कैमरा में बोल दिया अभी। सो हम लोग पहुंच चुके हैं और लाइन लगी है। ये लोग मुझे डरा रहे हैं बंदे 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 करके, पर बंद नहीं था। 50 rupees अडल्ट का टिकट है, 10 rupees चिल्ड्रन। इतना पानी तूने आज तक देखा है राजस्थान में कभी एक साथ? किसी को बताना मत, जेब में रख के लेके जाऊंगा पानी। और इतना ज़्यादा अच्छा मौसम था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि हवा की आवाज़ आ रही है लिटरली बैकग्राउंड से, एंड दीज माई फैंस। सो सब लोग बहुत पिक्चर्स ले रहे हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत सुंदर प्लेस है। तो पिक्चर्स लेने देखो, अच्छी आई है बुरी आई है, इनका यही चल रहा है गाइस। मुझे एक बात बताओ, विनोम किस में है? मुझे चाहिए जानना, मुझे जाना चाहिए विनोम। अगर ये वेनम पूछ रही है तो वो एक मूवी है, और अगर विनोम पूछ रही है तो वो आप बता दीजिए अगर आप जानते हैं। एंड ये वी आर हैविंग अ फन। टाइप है यार, मस्त सी चाय हो तो मजा आ जाए लाइफ के। यार इतना प्यारा व्यू, और ये पानी की आवाज है इतनी तेज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेस्मराइजिंग प्लेस है ये, आई लव दिस प्लेस। सो हम लोग थक हार के बैठ चुके हैं और एकदम फुल पिकनिक वाली फील ले रहे हैं सब। और ये है व्यू, मतलब बहुत प्यारा यार। सो यार दैट इज इट फॉर द डे। फॉलो फॉर मोर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।